हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज थर्सडे है एंड मेनी ऑफ यू वे टेलिंग कि पायल वो ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कोई तो मुझे कंजूस बोल रहा था। एंड तो मैंने अपने हबी को दिखाया। कल रात मुझे टाइम ही नहीं मिला टू शो माई हबी, तो मैंने अपने हबी को दिखाया एंड माई हबी इज़ लाइक तुम ये क्या उठा के लाई हो। क्योंकि पहले हम लोगों का लाइक वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट ऑल्सो, वहाँ पे ब्रेकफास्ट का भी बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है। हम लोग पीटीए लोग मिल के ही कर रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। एंड फिर तो वो लाइक दैट ग्रेजुएशन सेरेमनी होगा एंड उसके बाद जो पार्टी होगा दैट विल बी अ वेरी लाइक चिल पार्टी होगा। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो टू द पूल ऑल्सो। तो मैं वो ड्रेस रिटर्न करने जा रही हूँ एंड मैं वहाँ पर तो देर आर नॉट ए सिंगल ड्रेस, तो मैं मेसीज जाऊँगी एंड सी आई हैव अप्लाइड दिस लिपस्टिक जो विच मैंने कल खरीदा था। लाइक मैंने फर्स्ट ये लिपस्टिक अप्लाई किया है एंड उसके ऊपर में देन आई हैव अप्लाइड द वेट एंड वाइल्ड वन। तो अच्छा एक लुक दे रहा है। सो दिस इज जस्ट टू क्रिएट यू नो अ लिटिल बिट डिफरेंट लुक। अगर कुछ डार्क कलर का लिपस्टिक हो एंड आप उसको थोड़ा लाइट बनाना चाहते हैं, सो दिस इज फॉर दैट वेरी गुड। एंड एक्चुअली ये कलर बहुत ही मुझे अच्छा लगा है, तो वही मैं करने जा रही हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉल माई मॉम एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। एंड कोई मुझे पूछ रहा था पायल तुमने कल इयर रिंग पहना फिर क्या हुआ, डिड यू टेक आउट द इयर रिंग? तो इयर रिंग मैंने निकाल दिया था कल। मुझे हर वक्त ये हुप्स पहनना ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत इजी भी है पहनना। तो डिनर के लिए, डिनर या लंच फॉर बोथ ऑफ द टाइम ओनली, मैंने फिश सैमन मैंने फ्राई करके रख दिया है एंड मैंने चिकन भी मैरिनेट करके रख दिया है, विच आफ्टर कमिंग बैक आई विल मेक। एंड ऐसा आज राय का एक्टिविटी नहीं है तो आई एम लिटिल बिट रिलैक्स्ड। तो अभी मैं निकल रही हूँ एंड मैंने ड्रेस ले लिया है। आई विल रिटर्न दिस ड्रेस एंड यू नो जो लोग काम करते हैं यहाँ पे दे आर लाइक वेरी रूड, बहुत ज़्यादा वो लोग रूड है। एंड वो लोग का जो कूपन्स है हाफ ऑफ द कूपन्स कभी भी काम नहीं करते। लाइक बहुत सारा रेगुलेशंस रहता है, ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए है, देन वो लाइक दिस इज़ ओनली फॉर इन दिस डेट। एंड वो लोग का ऐसा भी रहता है कि डिस्काउंट इज़ ओनली फॉर वन डे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गो टू ड्रेस बर्न, पर पहले वो लोग अच्छे थे बट मेनी ऑफ यू वे सेइंग मी ऑल्सो कि ड्रेस बर्न बंद होने वाला है। तो एनी हाउ अभी मैं मैसेज जा रही हूँ एंड वाइल कमिंग बैक आई विल रिटर्न दिस ड्रेस। एंड बहुत जन आप लोग पूछते रहते हैं कि पायल हाउ इज़ योर मॉम डूइंग, इज शी एबल टू वर्क? तो मेरी मम्मी अभी बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है लाइक विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, या क्या स्टिक ही होगा राइट, वो चल सकती है। लाइक अभी भी मैं उनके साथ बात कर रही थी, सो आई वॉज सेइंग मम्मी चल के दिखाओ। सो वो दिखा रही थी कि वो लाइक अपने रूम से देन शी इज़ गोइंग टू लिविंग रूम एंड फिर सब जगह वो कर सकती है। तो दैट्स वॉट मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती थी क्योंकि बहुत जन आप लोग पूछते रहते हैं। एंड अगर हो सके तो मे बी कभी आई विल मेक वन स्मॉल वीडियो एंड मैं दिखाऊंगी, बिकॉज आप सब ने बहुत सारे यू नो यू ऑल हैव विश सो मच कि पायल डोंट वरी ठीक हो जाएगा। एंड आज का मौसम के बारे में तो मैं बताओ क्या मैं आप सबको दिखाई देती हूँ। सो आज का मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, पूरा इट इज़ रेनिंग। तो चलिए लेट्स गो एंड लेट्स सी मुझे कुछ मिलता है भी कि नहीं। फाइनली मैं आ चुकी हूँ, थैंक्स गॉड, नहीं तो कभी कभी ये मॉल का लिफ्ट भी काम नहीं करता है। मे बी या तो एंड मैंने सिर्फ एक घंटा का ही टिकट लिया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो मैं देखूंगी। आई गो टू जस्ट मैसेज एंड कम बैक शायद ये। मैंने ड्रेस खरीद भी लिया मेसिस से एंड फिर मैं ड्रेस बर्न भी आ गई।
टू रिटर्न द क्लोथ्स एंड मैंने बहुत जल्दी किया. मैं मेसिस पे गई एंड मैंने दो तीन लाइक ड्रेस देखा, फिर एक मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने ट्रायल रूम पे ट्रायल लाइक आई ट्राइड द ड्रेस एंड फिर मैंने इमीडिएटली ले ली एंड लकीली बिल्कुल भी रश नहीं था. एंड फिर मैं यहाँ आके आई हैव रिटर्न द ड्रेस. अभी यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा ड्रेस नहीं है. लाइक लास्ट ईयर वो लोग के पास बहुत अच्छा कलेक्शन था पर अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो अभी घर चले जाएंगे. मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब जगह पे किया है. एंड फिर राय के लिए मुझे थोड़ा क्लिप लेना था. वेट लेट मी गेट इनसाइड द कार. तो फिर मुझे मैंने राय के लिए क्लिप भी लिया है एंड घर में जाके मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या ड्रेस ख़रीदा है. बहुत ज़्यादा आज बारिश हो रहा है. 11:15 में निकली थी. लाइक मॉल में मैं जैसे बोलती हूँ जाने में भी टाइम लगता है. तो मैं गई जस्ट आई थिंक सो इन मेसेज आई वॉज देयर फॉर ओनली 15 मिनट्स होगा. फिर मैं नीचे गई क्लियर से मुझे राय के लिए क्लिप लेना था तो मैंने क्लिप ले लिया. फिर इमीडिएटली रास्ते पे ये पड़ता है ड्रेस बर्न. तो अभी घर चले जाएंगे. एंड मुझे ये लिपस्टिक का कलर अभी कॉम्बो करके बहुत अच्छा लग रहा है. व्हाट डू यू ऑल थिंक? मुझे लाइक बहुत ही सुंदर लग रहा है दोनों को मिला के कलर. तो चलिए लेट्स गो होम एंड जाके मुझे खाना बनाना है. तो मैं अभी घर पहुंची एंड लेट मी शो यू ऑल द ड्रेस. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. सी दिस इज ऑफ ए वाइट एंड जब मैं पहनूंगी तब ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है. मेरे पास ऐसा एक ड्रेस ऑलरेडी है ब्लू कलर का बट द डिजाइन इज डिफरेंट. लाइक ऊपर में इट्स वाइट एंड इनसाइड इट्स पिंक एंड उस पर फिर वाइट ऐसा लेस दिया हुआ है. लेस नहीं नेट दिया हुआ है. सो ओवरऑल व्हेन यू वेयर इट ना देखने में बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे लगा चलो अच्छा लगेगा. नो नीड टू वेयर ऑल दैट लाइक श्रग्स जैसे मैं पहनती हूँ वो सब पहनने का भी ज़रूरत नहीं है. एंड द हैंड्स ये पहनने से बहुत अच्छा लगता है. ये छोटा चॉपिंग बोर्ड मेरा फेवरेट है पर कुछ भी सामान थोड़ा देर बाद मुझे बोर लगता है. तो मे बी आफ्टर सम डेज आई विल बी बैक विद माय ओल्ड चॉपिंग बोर्ड. मैंने जो जो चाहिए था सभी मैंने चॉप कर लिया है. एंड यहाँ पे जाने से पहले मैं फिश फ्राई करके गई थी एंड चिकन भी मैंने मैरिनेट करके लाइक मैं मैरिनेट करके गई थी. एंड ये मैरिनेशन बहुत ही इजी है. मेरे पास एक चिली चिकन पाउडर है. कौन एक कंपनी का सम कंपनी लाइक इसमें इंडियन स्टाइल चिली चिकन होता है. तो मैं क्या करती हूँ समटाइम जब यू नो इतना ज़्यादा कुछ मन ना करे मैं जस्ट लाइक उसको मैरिनेट कर लेती हूँ. एंड देन इन द चिकन आई विल बी एडिंग लिटिल बिट ऑफ अनियंस एंड ये जो मैंने स्मैश किया है जिंजर और गार्लिक ये ऐड करूँगी बस. एंड ऐसे इंडियन वर्जन ऑफ चिली चिकन मैं बनाऊँगी. ओके एंड फिर मैं और एक सब्जी बना रही हूँ फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ कॉलीफ्लावर एंड सम बीन्स. तो उस सब्जी में यहाँ पे मेरे पास ये क्या या दिस इज वाटरमेलन सीड्स. तो मैंने अराउंड 2 tablespoons ऑफ वाटरमेलन सीड्स थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया है. एंड उसके बाद मैं अभी मिक्सी में पेस्ट बना लूँगी एंड जब मैं पेस्ट बनाऊँगी तब मैं इसमें अराउंड 1 green chili ऐड करूँगी. तो जब भी आप ऐसा पम्पकिन सीड्स नहीं तो वाटरमेलन सीड्स इवन की पॉपी सीड्स भी होना आपको पेस्ट बनाना है पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा. उससे बहुत अच्छा लाइक एक स्मेल आता है. नहीं तो एक लाइक कच्चा स्मेल रहता है इन सीड्स का तो वो अच्छा नहीं लगता है. तो जस्ट ड्राई रोस्ट इट. फर्स्ट मैं चिकन बनाऊंगी उसके लिए यहाँ पे मैंने अराउंड 3 tablespoons नहीं तो 2 tablespoons ऑयल लिया है. एंड फिर मैंने चिकन में जो मैंने पेस्ट बनाया था लाइक क्रश किया था क्रश जिंजर एंड गार्लिक ऐड कर दिया है. फिर अनियंस ऐड किया है सम ग्रीन चिलीज एंड 2 red chilies बड़ा वाला जो मुझे पसंद है.
बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है. तो अभी जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था वो मैंने ऐड कर दिया है. एंड इसको शायद ये चिकन चिली चिकन मसाला है. तो फिर मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट दूंगी एंड अभी हम लोग कवर करके रख देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स. तो इन द मीनवाइल लेट्स स्टार्ट मेकिंग फिश. एंड फिश तो ऑलरेडी फ्राइड है तो मैंने थोड़ा ही ऑयल लिया है. तो ऑयल जब गर्म हो गया था अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून ऑफ कलौंजी ऐड करूंगी. फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी एंड फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ क्रस्ट गार्लिक एंड जिंजर ऐड कर दूंगी. और आप बोल सकते हैं 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. फिर मैं इसमें थोड़ा कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1/2 कैप्सिकम. फिर द नॉर्मल मसाला दैट इज हल्दी, फिर रेड चिली पाउडर एंड मैंने इसमें 2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है. वी वॉन्ट बी एडिंग जीरा पाउडर इन इट. तो इसको कवर करके फिर रख देंगे फॉर अराउंड 5 मिनट्स एंड देखते हैं चिकन. या चिकन इज ऑलमोस्ट 50% डन. फिर थोड़ा मिक्स कर लेंगे चिकन को. एंड अभी मैं चिकन में अराउंड 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड पानी में बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ. फिर कवर करके अराउंड 5 मिनट्स रख देंगे. एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे मसाले अच्छी तरीके से या अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं मसाले आर डन. तो अभी हम लोग इसमें फिश के पीसेस ऐड करेंगे एंड मैं पानी ऐड कर दूंगी. जनरली फिश के सब्जी बहुत ही जल्दी हो जाता है. अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी. फिर सॉल्ट टू टेस्ट एंड मैं इसमें थोड़ा 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ. एंड इन द मीनवाइल चिकन आल्सो हो चुका है. सो एट द एंड मैं चिकन में थोड़ा करी लीव्स ऐड कर रही हूँ. मुझे अच्छा लगता है करी लीव्स का स्मेल. चिकन अच्छी तरीके से बॉयल भी हो चुका है एंड फ्राई भी हो चुका है. अनदर 5 मिनट्स एंड देन द चिकन इज डन. तो फिश और चिकन ऑलमोस्ट हो ही चुका है एंड मुझे अभी चाहिए कोरिएंडर लीव्स यानी सिलेंट्रो. तो बाहर अभी ये सिलेंट्रो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा. सो लेट मी टेक सम ऑफ इट. एंड इसका स्मेल पता नहीं घर में अगर सिलेंट्रो करे तो स्मेल क्यों इतना अच्छा होता है. लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस. मुझे समझिए कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है. चिकन इज रेडी. अभी मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ. तो अभी हम लोग स्टैंडिंग टाइम देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स. एंड फिश इज ऑल्सो रेडी. सो फिश में मैं थोड़ा ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इतना तीखा नहीं बनाती हूँ. फॉर राई एंड सम कोरिएंडर लीव्स. अभी घर का है तो सभी सब्जी में हम लोग देंगे. चिकन देखने में भी अच्छा हुआ है, खाने में ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है. वेरी सिंपल एंड इजी. तो चलिए लेट्स मेक वेज सब्जी. तो मेरा ऑयल कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका है. तो फर्स्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स एंड 1/4 टीस्पून ऑफ हींग ऐड किया था. पर मेरा क्यूमिन सीड्स आप देख सकते हैं कि थोड़ा जल गया है बिकॉज ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हुआ था. तो फिर मैं इसमें जो सब लाइक वेजीज है मैंने ऐड कर दिया है. एंड मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है. फिर द नॉर्मल मसालास रहते हैं दैट इज जीरा पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर. फिर टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर. एंड अभी हम लोग वाटरमेलन सीड्स का जो पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे. एंड जब मैं पेस्ट बना रही थी तब मैंने इसमें थोड़ा कर्ड ऐड कर लिया था. लाइक इंस्टेड ऑफ वाटर आप कर्ड ऐड कर लीजिए पर ज़्यादा कर्ड मत दीजिएगा. ऐसा थिक पेस्ट होगा. तो देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है. सॉल्ट टू टेस्ट. एंड इसमें मैं थोड़ा शुगर ऐड कर रही हूँ एंड 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर. नहीं तो यू नो समटाइम वेजीज जल जाता है. सो इट्स बीन अराउंड 10 मिनट्स एंड परफेक्टली डन. एंड देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड फिश इज ऑल्सो रेडी. फाइनली मेरा सभी खाना बन चुका है. एंड मैंने जब ये वाटरमेलन पेस्ट बनाया था ना
तब इंस्टेड ऑफ वाटर मैंने इसमें थोड़ा दही ऐड कर दिया था अराउंड, क्योंकि बहुत ही थिक हुआ था तो अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, नहीं तो 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, लाइक जब तक ना एक थिक पेस्ट हो. एंड ये वेजी की सब्जी मैंने थोड़ा टेस्ट किया है, खाने में बहुत अच्छा हुआ है. जब भी मैं जैसे बोलती हूँ पाइनएप्पल पेस्ट क्यूब आप सब्जी में देंगे, जब भी आप पम्पकिन सीड्स, नहीं तो पॉपी सीड्स, नहीं तो वाटरमेलन सीड्स, चार मगज भी बोलते हैं, राइट, कोई भी सीड्स ना आप ऐसा सब्जी में देंगे पेस्ट बनाने के लिए, पहले ड्राई रोस्ट कीजिएगा. ट्रस्ट मी, उससे जो स्मेल है बहुत ही अच्छा आता है. बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया, सब कुछ मैंने एक साथ में बना लिया, पर जल्दी खाना बनाना हो तो ऐसा ही आपको थोड़ा यू नो शिफ्टिंग करना पड़ता है. एंड ये वेजी सबसे अच्छा हुआ, इट इज लुकिंग सो नाइस एंड खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ है. सो इट्स बीन अराउंड 3:30, राय आ चुकी है एंड आते ही पहले उसने सब क्लिप उसने लगा दिया, तो क्लिप बहुत ही अच्छा लग रहा है. I will apply this jelly eye mask and इसको सिर्फ हम लोगों को 15 मिनट से रखना है, so let me see कैसा लगता है. तो Rai is waiting for that only, क्योंकि उसको देखना है. Where is it? Oh, wow. Where is it? It's totally, where is it? This one. Oh, it's like jelly only. But where is the? It's been 15 minutes and अभी राय ये निकालेगी, but it was very good, बहुत cooling लगा. Yeah, take it off. Let me see the world. Yeah, it was very good, बहुत cooling था. Yeah, बहुत ही अच्छा था. अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5:10 एंड अभी हम लोग जा रहे हैं क्लब टू डू सम एक्सरसाइज. एंड अगर टेनिस कोर्ट नहीं, अगर स्क्वाश का कोर्ट ओपन रहा तो मे बी विल प्ले बैडमिंटन. एंड ट्रस्ट मी, मुझे वो मास्क लगा के इतना अच्छा लग रहा है. इफ़ यू लुक ऑल्सो जस्ट सी लाइक दिस मच पोर्शन, पता नहीं वो लोग ने फुल क्यों नहीं बनाया, ओनली दिस मच पोर्शन ऑफ माई फेस इज लुकिंग वेरी हाइड्रेटेड. एंड मिस लाइक यू हैव टू लाइक क्लोज योर आईज, तो इतना रिलैक्सेशन लग रहा था एंड ऐसा काम लग रहा था. आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस विल बी सो गुड. सो दैट इज़ फ्रॉम क्लीन एंड क्लियर एंड दैट इज़ समथिंग यू नो, फॉर दैट आई डोंट डू एनी प्रमोशनल वीडियो एंड ऑल, बिकॉज खुद का सामान खरीदो अगर अच्छा हो तो आई कैन शेयर विथ ऑल ऑफ यू, खराब हो तो भी आई कैन शेयर. ऐसा नहीं है दैट फॉर एवरीथिंग आई हैव टू से अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बट दिस हैज़ डन एम लाइक अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अभी आई डोंट नो, ओनली मुझे एक ही आई एम वेरी सैड कि वो लोग ने फुल फेस के लिए क्यों नहीं बनाया. या दे कुड हैव मेड फॉर फुल फेस. सी दिस साइड लाइक यू कैन सी द डिफरेंस ऑल्सो एंड दिस साइड कोई भी डिफरेंस नहीं. अभी टाइम हो रहा है 6:45 एंड अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग क्लब से आए हैं. एंड रात के डिनर के लिए मैं और राय हम लोग राइस नहीं खाएंगे, मैं रोटी बनाऊंगी एंड शायद आई विल गिव 1 रोटी आल्सो टू माय हबी, बिकॉज ही विल ईट जस्ट द फिश विथ राइस एंड चिकन भी शायद वो रोटी से ही खाएंगे. एनी हाउ मैं रोटी भी बनाऊंगी एंड दैट क्या बोलूँ, वेज की सब्जी वो सबसे ज़्यादा टेस्टी हुआ था. वेज की सब्जी एंड चिकन मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हुआ था, पर अकॉर्डिंग टू मी मुझे वेज की सब्जी बहुत पसंद आया था. लाइक बहुत ज़्यादा रिच लग रहा था, पर हम लोगों ने तो ज़्यादा कुछ ऐड भी नहीं किया है. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड टुडेज़ वीडियो एंड
कमेंट पे ज़रूर बताना कि आज का मेरा ड्रेस कैसा लगा. ट्रस्ट मी व्हेन आई वेयर इट यू विल सी कि बहुत अच्छा लगता है देखने में. मैं क्या बोलूँ, बहुत ही सोबर लगता है देखने में. एंड मेरे पास ऐसा और ड्रेस है, जनरली मैं ये सब ड्रेस में अच्छी लगती हूँ, तो मैं वही खरीदती हूँ इन विच आई एम कम्फर्टेबल इन. एंड कल का ड्रेस पहनने के बाद यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि वो ड्रेस ऐसा थोड़ा लंबा था एंड ऐसा कुछ काम था उसमें, वो लाइक वो और भी लंबा हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था. पर चलो अच्छा ही किया मैंने रिटर्न कर दिया उसको. एंड इस वीडियो को तो आपको पता ही है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो एक लाइक ज़रूर देना. एंड या जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, बाय बाय. एंड या आई विल मीट यू ऑन इन मंडे, नहीं तो संडे भी मीट कर सकती हो, देखती हो, मे बी आई विल डू वन सरप्राइज दिस वीक. सो बाय बाय.